banging with the hip, the hop, once again, in effect, feel the constant slamming up the baseline. Never mess around with the funk, because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating, because I'm always on top. You ain't gonna work with a dealer, don't tell you what's up. Welcome back to the Reactionist guys, this is Vidhan. This is Pravash. आज हम वापस आए हैं एक बहुत बड़े कंटेंट को लेके गाइज. ये एक मासिव कंटेंट है, क्या कहें. इसका नाम है गुंटूर कारम हाईली इनफ्लेमेबल मास स्ट्राइक फीचरिंग महेश बाबू. गाइज, एक साल पहले हमने महेश बाबू के किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट किया था, डेट वॉज सरकारी वाली पार्ट. और आज लगभग एक साल बाद इस मूवी की इसे टीजर भी कह सकते हैं या फिर अनाउंसमेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी. देखते हैं गाइस. ये अभी तक के लिए गाइस ये YouTube पे 11 नंबर पे ट्रेंड कर रही है, तो स्पेशली कुछ तो बात है. दिस इज ह्यूज. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट पहले इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो लेट्स गो. म्यूजिक काफी बढ़िया होने वाला है. हाईली इनफ्लेमेबल. His father. Yeah. Birth anniversary. My God. 13 Jan. So guys, as promised, this first look glimpse. मैं पता नहीं ये क्या है, क्योंकि इस पे कुछ मेंशन किए नहीं किया हुआ है, लेकिन जो भी हम लोगों ने देखा है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी लिट मासिव. गाइस, मुझे म्यूजिक, मैं श्योरली कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे कंटेंट के ऊपर रिएक्ट किया रिसेंट टाइम में, चाहे वो साउथ की हो या फिर बॉलीवुड की हो या फिर बंगाली इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, पर इसका जो म्यूजिक था गाइस, बीजीएम मुझे काफी पसंद आया. बहुत बढ़िया था. मतलब रिसेंट टाइम में मैंने, मुझे क्या कहते हैं कि मुझे अर्ली 2000 में जो कुछ मूवीज आती थी, जो रजनीकांत सर की होती थी, कमल हासन सर की होती थी, स्पेशली ए आर रहमान वाली जो म्यूजिक होती थी, वैसी मुझे टाइम. मतलब वो तो वक्त था, एक वक्त था. मतलब क्योंकि उन्हें जब भी किसी कंटेंट के लिए लिया जाता है, वो उसी कंटेंट का जो, मतलब जो सेटअप है, मतलब उसका जो दिमाग में उनके चलता रहता है, तो वो अपना एक वर्ल्ड बना लेते हैं म्यूजिक में. मेरे हीरो का, मेरा जो मेन एक्टर है, उसका जो एंट्री होगा या फिर उसकी जो स्पेशली एक थीम होगी, वो कैसी होगी. एंड मतलब महेश बाबू के बारे में क्या बात करें गाइस, यू रॉकिंग एंड ही द वे ही लुक्स मैन. पता नहीं यार, कुछ उनकी उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता. you know guys, इस इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री या फिर तमिल इंडस्ट्री में, सब अपने जगह पे बहुत ही फेमस है, सबको इक्वली, मतलब बहुत ही सेलिब्रेटेड एक्टर है. पर मैं एक बात कहूंगा कि रिसेंट टाइम में हमने उससे बाहर, मतलब तेलुगु इंडस्ट्री के बाहर अगर किसी एक्टर को, मतलब बाहर जाते हुए फेमस होते हुए देखा, दैट्स व्हाट, दैट वाज प्रभास एंड जूनियर एनटीआर एंड रामचरण गरु. पर इसके बाद अगर मैं कहूं कि अब जो वक्त आने वाला है, वो आने वाला है महेश बाबू सर का. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सीरियसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मूवी, मतलब इसका जो टीजर हमने देखा गाइस, काफी एनर्जेटिक है. एक बट आई एम, वी आर नॉट श्योर कि ये टीजर है कि नहीं. हाँ, ये हम ये भी नहीं कह सकते. आई विल टेक इट एज अ फर्स्ट लुक या फिर ग्लिम्स कह सकते हैं. ग्लिम्स तो नहीं होगा, उसे थोड़ा ज्यादा ही है, 1 मिनट 4 सेकंड का ये ओवरऑल जो वीडियो था हम लोगों ने देखा. एंड दिस कंटेंट इज स्पेशली रिलीज्ड ऑन महेश बाबू के जो पिताजी हैं, जो जिनका कुछ ही महीनों पहले एक्चुअली स्वर्गवास हो गया था. तो उनकी जन्मतिथि के ऊपर इसको प्रमोट किया गया है, उसको रिलीज किया गया है. एंड वी प्रे फॉर हिज गुड सोल, एंड ही वाज अ ग्रेट सोल. और बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े हस्ती थे. एंड इन्हीं लोगों के वजह से आज गाइस आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, कि तेलुगु इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है. सिर्फ तेलुगु नहीं कहेंगे, साउथ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब अभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे एक्टर सामने आ रहे हैं. फाउंडेशन है, फाउंडेशन
को कभी भूलना नहीं चाहिए, सेट किया गया था। सो अगर हम गुंतुर कारम के बारे में स्पेशली बात करें, बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं इसके बारे में अबाउट गुंतुर कारम। हम लोग टीजर और ट्रेलर के लिए भी इंतजार करेंगे, सो उसके उसमें ज्यादा बातें करेंगे। राइट, सो जो भी इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ जो हमें वीडियो पे दिखी है वही हम बताएंगे। द म्यूजिक इज डन बाय थॉमस एंड ही डिड अ वंडरफुल सिनेमाटोग्राफी में बहुत बढ़िया काम किया है। पीएस विनोद ने बहुत सेलिब्रेटेड सिनेमाटोग्राफर है, यू नो बॉलीवुड में भी वो काम कर चुके हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है। एंड थ्री विक्रम इज द डायरेक्टर, उनकी इतने सारी सक्सेसफुल फिल्म्स हैं एंड दिस इज अनदर वन व्हिच इज इन द मेकिंग। सो गाइस ये मूवी रिलीज होने वाली है 13 जनवरी 2024 अगले साल पर। इसका जो काम था इस मूवी इस कंटेंट का, मतलब ये ट्रीजर कहें या ग्लिम्स कहें या फिर जो भी कहें, मतलब इसका जो काम था एंटिसिपेशन बढ़ाना वो बढ़ा चुकी है, एक्साइटमेंट बढ़ाना वो बढ़ा चुकी है गाइस। हमें महेश बाबू सर का जो हमें ग्लिम्स वो देखना था जो कैरेक्टर का वो हमें देख चुका है। म्यूजिक काफी अच्छा है, जो हमें देखा वो मुझे काफी पसंद आया। अब हम वेट करेंगे इसके टीजर और ट्रेलर के लिए। पर आपके क्या राय है गुंतुर कारम के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, आप सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, और वहां पे जाके भी आप कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को जाके ऑल कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट है हमारे चैनल की तरफ से वो आपको जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।